एग्जाम्पल हम लेते हैं, सवाल एक कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए, ठीक। कह रहा एग्जाम्पल में एक स्ट्रट है, ठीक है, जिसका लंबाई है 3.4 मीटर, ठीक है, स्ट्रट ऑफ 3.4 मीटर लेंथ इन ए ट्रस, किसी ट्रस में इसको यूज किया गया है, एक स्ट्रस को जिसकी लंबाई 3.4 मीटर है, इसको जोड़ा गया है, और ईच एंड यानी कि हर एक सिरा जो है एंड विथ वेल्डिंग वेल्डिंग टू द गसेट प्लेट, यानी कि किसी गसेट प्लेट के द्वारा के साथ इस स्ट्रट को जिसकी लंबाई 3.4 मीटर है जोड़ा गया है। अब कह रहा है कि इस स्ट्रट की जो सेक्शन है, जो स्ट्रट यूज किया गया है उसका जो सेक्शन है उसकी साइज है 100 × 100 × 10 mm, ठीक। सेक्शन जो है ISA 100 × 100 × 10 mm है। अब कह रहा है कि इसका जो है स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा, ठीक। और स्लेंडरनेस रेशियो के लिए मैंने बताया था कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन, याद है स्लेंडरनेस रेशियो का फार्मूला, सबको याद है। तो उसका फार्मूला होगा यहाँ पे कि स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा इक्वल टू होता है तुम्हारा इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले हम उसको जो है नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक। तो डाटा गिवन जो आपका है यहाँ पे, लेंथ ऑफ स्ट्रट कितना है 3.4 मीटर हम नोट कर लेंगे, और जो सेक्शन दिया गया है उसका साइज क्या है 100 × 100 × 10 mm, यानी कि साइज का जो होगा वो स्टील टेबल से हम लोग जो है देख लेंगे कि क्या क्या डाटा जो है दिया गया है, ठीक। और कनेक्शन किस तरह का है, वेल्डिंग कनेक्शन है, ठीक है। अब हमको जो है एज्यूम करना है कि कौन सा डाटा जो है मिसिंग है या नहीं दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह के कोई सेक्शन दे तो हम उसके लिए जो है ग्रेड जो मानेंगे स्टील का, मानेंगे क्या 410 FE 410। अभी FE 410 के लिए जो FU का मान होता है वो 410 होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्ट्रेस, और FY का मान होता है जो आपका इल्ड वाला, ठीक है, वो होता है 250 N/mm². तो जब भी पूछे आपसे FE 410 के लिए FY कितना होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि FY होगा 410 के लिए, FE 410 के लिए FY इक्वल टू 250 N/mm², ठीक। अब हम जो है कैसे निकालेंगे, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेक्शन हमें दिया है उसके लिए हम स्टील टेबल पे कुछ डाटा गिवन जो है आपका उस स्टील टेबल में उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो स्टील की जो साइज दी गई है 100 × 100 × 10 mm दी गई है, ठीक। तो 100 × 100 × 10 mm के लिए हम क्या करेंगे, स्टील टेबल चेक करेंगे। अब स्टील टेबल जो है आपको भेजा गया होगा स्कैन करके, तो इसमें जो आपका स्टील टेबल है 100 × 100 × 10, यहाँ पे देखिए ये रहा 100 × 100 × 10 mm। अब इसके लिए जो आपका एरिया होगा वो कितना होगा 1903, ठीक है, नेट एरिया जो होगा आपका वो होगा 1903, ठीक। यहां से आप देख पाएंगे नेट एरिया 1903, ये रहा 100 × 100 है, और 100 × 100 के रिस्पेक्ट में क्या है 10 mm, उसके लिए टोटल एरिया क्या होगा, सेक्शनल एरिया 1903 mm² होगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमें क्या चाहिए, RVV का मान चाहिए, यानी कि रेडियस अलोंग VV एक्सिस, यहाँ पे जो आपका VV एक्सिस है ये रहा, इसके अलोंग जो है हमें रेडियस ऑफ गायरेशन ये रहा, ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड जो है हमें चाहिए। तो हम कहाँ पे देखेंगे, किस कॉलम में था, ये रहा, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो है 100 × 100 × 10 फिफ्थ वाले में 100 × 100 × 10 पे 1 2 3 4, ठीक है। तो दोनों पेज पे जो है आपको समान रूप से दिखेगा RVV, ठीक। तो RVV आपको ढूंढना है, उसके सिधाई पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये जो है आपको वैल्यू जो होगी उस 100 × 100 × 10 के लिए अलग अलग वैल्यू जो है, RVV आपका कहाँ पे है 19.4 है, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो RVV जो आपका है यहाँ से लेके
10 के लिए 19.4 है और आरयू दिया गया है 38.5। लेकिन हम आरवीवी क्यों ले रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे कि आरवीवी ही क्यों लिया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए जो है आपको इस सेक्शन के लिए जो है आपको दो कंडीशन होते हैं जो आपको देखना पड़ेगा। ये रहा, ठीक है, लिखा हुआ है कि जो खंड एक्स एक्स अक्ष अथवा वाई वाई अक्ष अथवा एक्स एक्स और वाई वाई दोनों अक्ष पर सममित हैं, सममित नहीं होते यानी कि सिमेट्रिकल नहीं होते। ठीक है, तो जो सेक्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन में वो क्या है, अनसिमेट्रिकल है यानी कि सममित नहीं है। ठीक, तो असममित सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, संपीड़न उपांगों में एकल कोणीय खंड सिंगल एंगल था एक ऐसा खंड है जो उपरोक्त शर्त के अधीन है यानी कि क्या है वो असममित है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है, तो उसके लिए UU और VV ही लेंगे, उसके लिए प्रधान अक्ष क्या लेंगे UU और VV के ही अलोंग लेंगे। ठीक है, अतः यहाँ पे देखो संपीड़न उपांगों में एकल कोणीय खंड सिंगल एंगल एक ऐसा खंड है जो उपरोक्त शर्त के अधीन आता है, अतः कोणीय खंड के लिए RVV न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या होगी तथा स्टील टेबल में कोणीय खंडों के लिए RVV का मान भी दिया जाता है जो कोणीय खंड के लिए न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या होगी। तो इसीलिए जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर RVV का मान जो है हम लोग से रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका RVV का मान था वो कितना था 19.4। ठीक है, 19.4 हम नोट कर लेंगे। अब हम सवाल की तरफ वापस चलते हैं। तो यहाँ पर जो है आरवीवी जो आपका दिया गया है 19.4 mm। ठीक, हमने नोट कर लिया और उसका जो नेट एरिया था वो कितना था सेक्शन का 1903। हमने इसको जो है स्टील टेबल से इस साइज के लिए जो है वहां से नोट डाउन कर लिया अपने कॉपी में। अब हम क्या करेंगे, हमें जो है इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है इस कोणीय खंड के लिए। ठीक, उस एंगल स्टड के लिए हम जो है IS कोड 800/2007 के लिए हम उस एंगल स्ट्रट के परफेक्ट जो इफेक्टिव लेंथ है वो हम जो है इसके रिस्पेक्ट में हम इफेक्टिव लेंथ L है जिसकी लंबाई जो आपको दी गई है एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी 3.4 meters। ठीक है, स्ट्रट के केस में जो होता है आपका जो एक्चुअल लेंथ होगा वही क्या होगा इफेक्टिव लेंथ होगा कैपिटल L जो कि 3.4 meters है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि जो दोनों एंड है वो क्या है फिक्स है। ठीक, हम ये मान लेंगे कि दोनों एंड क्या है उस स्ट्रट के लिए फिक्स है, वहां पे वेल्डिंग किया गया है। तो इसके लिए अब हम IS कोड 800/2007 में इसके लिए जो है हम स्लेंडरनेस रेशियो का फार्मूला चेक करेंगे। ठीक, तो IS कोड 800/2007 में हम इसको देखते हैं कहां पे है। ये रहा, ठीक है, अब यहां पर जो है IS कोड ये रहा लोडेड थ्रू वन लेग। ठीक है, द फ्लेक्सुरल टॉर्सनल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल लोडेड इन कंप्रेशन थ्रू वन ऑफ इट्स लेग मे बी इवैल्यूएटेड यूजिंग इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा c इक्वल टू गिवन बाय लैम्डा e equal to under root k1 k2 into lambda vv square plus k3 into lambda phi का square। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो निकालेंगे वो k1 k2 k3 है constant। ठीक है, depending upon the end condition as given in table 12। ठीक है, table 12 आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक, यहाँ पे L दिया गया है, क्या है RVV दिया गया है, B1 B2 क्या है width of two angle leg of the angle। ठीक, और T क्या है thickness of the leg। ठीक, epsilon क्या है आपका yield stress ratio यानी कि under root या 0.5 है यानी कि इसको under root लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से
तो 250 बटा अंडर रूट में अपन fy, fy हमें 250 पहले पता है यानी कि 1 हो जाएगा वहां पे, ठीक। बाकी वैल्यू जो है आपको टेबल नंबर 12 से निकालना होगा एंड कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। तो अब हम जो है इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं सिंगल एंगल के लिए, जो आपको जो स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है इसके लिए फार्मूला है आपका लैम्डा इज इक्वल टू, तो इसी फार्मूले का जो है हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे, ठीक। तो लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए वही फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू जो आपका होता है अंडर रूट के वन प्लस के टू ब्रैकेट में लैम्डा वी वी स्क्वायर के थ्री इंटू लैम्डा फाइव का स्क्वायर, ठीक है। अब लैम्डा वी वी क्या होगा आपका यहाँ पे, उसी कोड से हम फिर देखेंगे लैम्डा वी वी का फार्मूला क्या है आपका, देख लेते हैं ये रहा, ठीक है। तो वो यहाँ पर लैम्डा वी निकालने के लिए हम फिर इस फार्मूले का यूज करेंगे और लैम्डा फाइव निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो यही फार्मूला रखकर जो है वहां पर सॉल्व किया गया है, देख लेते हैं कैसे लैम्डा वी वी और लैम्डा फाइव निकलेगा। तो लैम्डा वी वी जो होगा आपका क्या होगा, एल अपॉन आर वी वी अपॉन एप्सिलॉन अंडर रूट पाई स्क्वायर इंटू ई डिवाइडेड बाई 250, ठीक है। तो एल आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 3.4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एल जो है 3.4 मीटर हम रख देंगे इंटू 10 के पावर 3, ठीक है, क्योंकि मीटर में है तो हम क्या करेंगे एमएम में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे एमएम में आ जाएगा इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई एल है, आर वी वी है, आर वी वी हमने यहाँ से नोट किया था कोड से टेबल से 19.4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, अब यहाँ पे 1 रखा गया है, 1 क्यों रखा गया है, क्योंकि जो है आपका एप्सिलॉन है वो क्या है अंडर रूट 250 बटा एफ वाई, वहां पे जो आपको कोड में लिखा गया है 250 बटा एफ वाई के पावर 0.5, तो 0.5 को हम क्या कर सकते हैं 1.2 लिख सकते हैं, तो 1.2 मतलब क्या अंडर रूट हो गया ना, तो 250 बटा 250 हम रख देंगे तो क्या होगा वैल्यू एप्सिलॉन की 1 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे 1 रख दिया। अब अंडर रूट में क्या रखा गया है पाई स्क्वायर, जो आपका पाई का मान है पाई की जगह पाई रख देंगे हम यहाँ कैल्सियम में इंटू एप्सिलॉन सॉरी ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये वैल्यू होती है आपकी कितनी याद करना पड़ेगा आपको 2×10^5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 250। तो यहाँ से लैम्डा वी वी आपका जो आया 1.676 आया, ठीक है, लैम्डा वी वी का मान 1.76676 हो गया। अब लैम्डा फाई का मान क्या होगा उसको हमें निकालने के लिए फिर वही फार्मूला वहां पे कोड में आपको दिया गया होगा b1+b2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई स्क्वायर इंटू ई डिवाइडेड बाई 250 इंटू 2 इंटू टी, ठीक है। b1 b2 क्या है एंगल की जो साइज दी गई है 100×100, ठीक है, तो यहाँ हमने 100+100 रख दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए प्लस होगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट में पाई, तो पाई की जगह पाई स्क्वायर हमने रख दिया इंटू ई, ई क्या है आपका 2×10^5 डिवाइडेड बाई 250, पूरे में मल्टीप्लाई किया गया है 2×t यानी कि 2×t, t कितना है 10 है, यहाँ से 10 रख दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा फाई का मान जो आएगा आपका क्या आएगा 0.1125, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा फाई लैम्डा वीवी हमने निकाल लिया, अभी वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पर जो आपका दिया गया है फार्मूला लैम्डा इज स्लेंडरनेस रेशियो एंगल के लिए, यहाँ से हम उससे जो है फार्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। और बाकी रही बात जो है K1 K2 और K3 के लिए, जिसके लिए एंड कंडीशन जो वेल्डेड कनेक्शन माना गया है वो किसके लिए माना गया है, इसे लिखा गया है कोएफिशिएंट K1 K2 एंड K3 फॉर वेल्डेड कनेक्शन इज सेम एज वोल्टेड कनेक्शन ऑफ 2 वोल्ट, ठीक है। जो वेल्डेड कनेक्शन होता है उसको वोल्टेड कनेक्शन के समान ही माना जाता है जिसमें 2 वोल्ट प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए K1 K2 किस तरह लिया गया है, यहाँ पर K1 K2 क्या है आपका 2 तक माना गया है, 2 के बराबर अगर वोल्ट है, या जैसे हमने वेल्डेड को क्या माना है वोल्ट माना गया है, तो यहाँ पर वोल्ट के लिए कितना दिया है 2 तक या 2 से ज्यादा के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपका K1 K2 जो है 0.2, 0.35 और 0.20 फिक्स होगा क्योंकि वहां पर वेल्ड किया गया है, ठीक है। तो वहां पर 0.20, 0.35 K2 हो जाएगा और K3 कितना होगा 0.20 होगा। तो सवाल में जो है ये वैल्यू जो है नोट करके 0.20, 0.35 और 0.20 K3 का मान अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पे K1 K2 और K3 का मान हम क्या करेंगे एज इट इज रख देंगे, बाकी जो है लैम्डा फाई और लैम्डा वीपी हमने जो है निकाल रखा है। तो वैल्यू जो आपकी आएगी स्लेंडरनेस रेशियो की कितनी आएगी 1.198 लैम्डा ई, ठीक है। इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा आपका इस सवाल के लिए 1.198, ठीक। सवाल है कैलकुलेट द डिजाइन कंप्रेसिव लोड फॉर ए कॉलम मेड अप ऑफ ISHB 350, अगर ये चीज दी गई है 710.9 न्यूटन पर एमएम
सॉरी न्यूटन पर मीटर एंड 3.5 मीटर हाई, ठीक है, द कॉलम इज रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एंड पोजिशन एट बोथ द एंड, ठीक है, यूज स्टील एफपी 410। अब हम जब सवाल इस तरह से पढ़ते हैं कि आप जो एक कंप्रेसिव लोड निकालिए एक कॉलम के लिए जिसका जिसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है आई एस एच बी 350 एट द रेट ऑफ 710.2 न्यूटन पर मीटर एंड 3.5 मीटर हाई, 3.5 मीटर की ऊंचाई वाला आई एस एच बी 350 एट द रेट 710.2 न्यूटन पर मीटर का एक कॉलम है, इसके लिए आप लोड जो है बता दीजिए कितना होगा, जबकि कॉलम को दोनों सिरे पे क्या किया गया है, कॉलम को दोनों सिरे पे क्या किया गया है, रिस्ट्रेंड किया गया है, ठीक है, कॉलम को दोनों सिरों पे रिस्ट्रेंड, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको जो है लोड निकालना है, और स्टील जो दिया गया आपको क्या दिया गया है एफपी 410। तो अब जो डाटा दिया गया है उसको हम सॉल्व करने के लिए जो है हमें लोड निकालना है, मान लीजिए, ठीक है, तो हम जो डाटा गिवन है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं, ठीक, डाटा क्या क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है आपको कॉलम सेक्शन, कॉलम का सेक्शन दिया है आई एस एच बी 350 एट द रेट ऑफ 710, ये वैल्यू दी गई है, तो अब इससे हम जो है स्टील टेबल में चले जाएंगे, अभी आगे हम देख लेंगे। इसके अलावा क्या क्या डाटा दिया गया है, लेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम की लेंथ कितनी है 3.5 मीटर, ठीक है, 3.5 मीटर हमने नोट कर लिया। अब कंडीशन क्या दिया गया है इसको हम देख लेते हैं सवाल में, सवाल में कह रहा है कॉलम जो है आपका वो रिस्ट्रेंड है इन डायरेक्शन एंड पोजिशन एट बोथ एंड, ठीक है, तो इसको हम लिख लिए यहाँ पे बोथ एंड पे क्या है रिस्ट्रेंड है, तो बोथ एंड पे जब रिस्ट्रेंड होता है तो हम जो है सीधे जाएंगे कहाँ पे, अपने स्टील कोड में, स्टील कोड में जब हम जाएंगे तो पेज नंबर आपको हम बता देते हैं यहाँ पे किस पेज पे दिया गया है इस चीज को देखने के लिए, ये रहा, ठीक है, ठीक, यहां से जो है पेज नंबर आपका है 45, स्टील कोड में पेज नंबर 45 पे जब आप जाएंगे तो पेज नंबर 45 पे आपको जो है ये पेज पे इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, क्लास 7.2.2, इसमें बाउंड्री कंडीशन दिया गया है, जैसे वो कह रहा है ना कि कोई कॉलम है दोनों सिरों पे जो है रिस्ट्रेंड किया गया है, अब इसमें जो है किसी कॉलम का दो सिरा होता है, वन एंड एंड अदर एंड, ठीक है, दो सिरे होंगे, एक सिरा यहाँ पे है एक सिरा यहाँ पे है, ठीक है, अब उसके लिए कई सारे कंडीशन हो सकते हैं, तो जो सवाल में आपके कंडीशन यहाँ पे दिया गया है वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि कॉलम जो है आपका रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एंड पोजिशन एट बोथ द एंड, यानी कि दोनों सिरों पे क्या है रिस्ट्रेंड है डायरेक्शन और पोजिशन में, ठीक, तो इसको हम देखेंगे ये लाइन कहाँ पे मिल रही है, एक सिरा यहाँ पे दिया गया एक सिरा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इसके लिए जो है देखिए रिस्ट्रेंड एट बोथ एंड, तो पहले एंड पे भी रिस्ट्रेंड है दूसरे एंड पे भी रिस्ट्रेंड है, अब दोनों एंड पे जब रिस्ट्रेंड है तो फिगर देखिए यहाँ पे भी बांधित है यहाँ पे भी बांधित है, यानी कि उसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो कितना होगा 0.65 कैपिटल एल के बराबर, ठीक है, 0.65 कैपिटल एल के बराबर होगा, ठीक है, तो अब इसके बाद क्या कर रहा है, अब हम जो है ये कंडीशन हमने देख लिया 0.65 स्मॉल एल का बराबर जो होगा वो 0.65 होगा अकॉर्डिंग टू कोड आई एस कोड 800/2007, तो यहाँ पे देखो जो है यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है आई एस कोड के लिए यहाँ पे के इक्वल टू क्या लिया है 0.65, तो स्मॉल एल इसके क्या हो जाएगा स्मॉल एल होता है आपका के इंटू एल कैपिटल एल, कैपिटल एल 3.5 है स्मॉल एल 0.65 है, तो उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ आ रही है, तो के इंटू एल कर दोगे तो तुम्हें जो है आगे वैल्यू मिलेगी, अब हम बताएंगे कैसे जो है रखना है वैल्यू को। अब ग्रेड आपका जो स्टील का दिया गया है एफपी 410, मैंने बताया है कि जब भी एफपी 410 होगा तो एफयू का मान उसके लिए क्या होगा 410 होगा न्यूटन पर मीटर एमएम स्क्वायर, और एफवाई का मान होगा 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो आपका मटेरियल के लिए होता है गामा एम नॉट, मैंने बताया हुआ है इसके पहले जो है 1.1 होता है, ठीक है, गामा एम नॉट 1.1 होता है, आपको स्टील टेबल में वैल्यू जो है देखने को मिल जाएगी, ठीक, इसके पहले स्टील टेबल में आपको हम बता चुके हैं कैसे देखना है इसको, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलम देखना है, ठीक है, तो कॉलम जो दिया गया है उसकी साइज क्या दी हुई है
दी हुई है ISHV 350 एट द रेट ऑफ 710.2। ठीक, अब ये चीज कहाँ पे है इसको हम ढूंढ लेते हैं कि ISHV 350 एट 710 कहाँ पे है। ISHV अब स्टील टेबल में हम देखेंगे इसको कहाँ पे है। ठीक, देखिए स्टील टेबल में आपके जो है वैल्यू दी गई ISHV वाला। ठीक है, ISHV 310 हमें ढूंढना है, ISHV 310। ISHV 350 सॉरी 350 दिया हुआ है सवाल में, ISHV 350 एट द रेट ऑफ 710। तो यहाँ पर जो है हम नीचे इसके स्कैन करके लगाए हुए हैं 350 वाला ISHV 350। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है ISHV 350। तो ISHV 350 एट द रेट ऑफ 710। ठीक, अब ISHV 350 एट द रेट ऑफ 710 कहां पे देख लेते हम लोग, ये रहा। ठीक, ISHV 350 एट द रेट ऑफ 710। अब इसके लिए जो भी डाटा दिया गया है सब कुछ हम नोट करेंगे। ठीक है, स्मॉल ए का मान जो आपका दिया गया कितना है 9221 mm स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल एच डेप्थ ऑफ सेक्शन कितना दिया गया है 350। ठीक है, 350 हो जाएगा। इसके लिए वैल्यू दी गई है कितनी, बीएफ का मान 250 नोट कर लेंगे, टीएफ का मान कितना दिया गया है 11.6 इसको भी नोट कर लेंगे, थिकनेस ऑफ वेव कितना दिया गया है 10.1 दिया गया है इसको भी हम नोट कर लेंगे इस सेक्शन के लिए। और इसके अलावा आर एक्स एक्स कितना है आपका 148.5। ठीक है, 148.5 नोट कर लेंगे। आर वाई वाई कितना दिया गया है 152.2। ये सारे वैल्यू जो आपके दे हैं रिफरेंस के लिए आर वाई आर एक्स एक्स स्मॉल ए स्मॉल एच बी एफ और टी एफ टी डब्ल्यू, ये सभी मान जो है आपको स्टील टेबल से ISHV 350 एट द रेट ऑफ 710 पेज नंबर 4 पे दिया गया है। ठीक है, जो मेरे पास कोड है उसमें जो है पेज नंबर 4 पे दिया गया है। अब सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल। ठीक है, अब ISHV 410 के लिए आपका जो है सॉरी 350 के लिए यहाँ पर कुछ वैल्यू नोट की गई है। जैसे मैंने बताया उस स्टील टेबल से एच का मान देखिए वहां दिया था 3.50 mm, बीएफ का मान दिया गया था 250 mm, टीएफ का मान दिया गया था 11.6 mm, टीडब्ल्यू का मान दिया गया था 10.1 mm और कैपिटल ए का मान दिया गया था 9221 mm स्क्वायर। ठीक है, और आर जे जेड और आर वाई वाई का मान भी दिया गया था 52.2 और 146.5 mm आर जे जेड का। आर जे जेड का यहाँ पे जो वैल्यू दी गई वो आर एक्सिस मान पे हम चलते हैं, एक्स एक्सिस में ही मान चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप जो है कुछ कंडीशन को फॉलो करना होगा। आई सेक्शन है आपका ISHV मतलब क्या आई सेक्शन। अब उस आई सेक्शन में हम देखेंगे कि कौन सा कंडीशन जो है फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखिए जस्ट इसके जो है 43 के पेज नंबर 44 पे यहाँ पर देखिए आई सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आई सेक्शन दिया गया है। तो अब इस आई सेक्शन में हम कुछ कंडीशन को चेक करेंगे। ये आई सेक्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पे देखिए लिमिट हमें चेक करना है। लिमिट क्या दिया गया है H by BF करेंगे अगर हम, अगर वो 1.2 से ज्यादा आता है तो हम जो है किसकी तरफ बढ़ेंगे, वो जो आपका बकलिंग होगा जेड जेड एक्सिस में होगा और बकलिंग की क्लास कौन सी होगी स्मॉल ए होगी। अगर थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो आपका दिया गया है 40 mm से कम है या उसके बराबर है तो बकलिंग किस क्लास में होगी, बकलिंग होगी वाई एक्सिस में और क्लास कौन सा होगा बी होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कंडीशन को हम चेक करते हैं। तो जो सेक्शन आपकी बकलिंग कर्व के लिए हमें देखना है किस कर्व में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे एच बाई बी एफ करेंगे पहला कंडीशन आई सेक्शन के लिए। तो एच का मान कितना है 3.5, तो यहाँ पे क्या किया गया है एमएम में चेंज किया गया है। ठीक है, 350 हो गया, 3.5 मीटर होगा, यहाँ गलत लिख दिया है, ये एमएम नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में 3.5 मीटर दिया गया है। यहाँ पर आप 100 से गुणा करेंगे क्या होगा 350 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई बी एफ का मान कितना है 250 है, यहाँ पर 250 रख दिया। सॉल्व किया तो वैल्यू आया आपकी 1.4 जो कि ज्यादा है किससे 1.2 से,
तो हम कोड में देख लेते हैं, 1.2 से ज्यादा आ रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, वही कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1.2 से ज्यादा होगा तो किसमें होगा, बकलिंग जेड एक्सिस पे होगा, ठीक है, जेड एक्सिस पे होगा, और क्लास कौन सी होगी बकलिंग की, स्मॉल ए होगी, ठीक। पहला कंडीशन फॉलो हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखना है कि जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है वो 40 mm से कम है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है आपका 11.6 mm दिया गया है। यहाँ पे देखिए थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना दिया गया है, 11.6 mm। तो यहाँ पर जो आपका 11.6 mm किससे कम है, 40 mm से। तो कोड में जो दिया गया था वो कंडीशन सेकेंड वाला भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अब ये किस क्लास में गया, वाई एक्सिस पे बकलिंग होगी, और क्लास किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। यानी कि जो पहला कंडीशन होगा उसके लिए जो बकलिंग हो रही है जेड एक्सिस पे, और क्लास क्या होगा आपका ए, और जो दूसरा कंडीशन है उसके लिए जो है बकलिंग हो रही है वाई एक्सिस पे और क्लास क्या है, बी है। तो दोनों क्लास के लिए हम स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे हम देख लेंगे कि किस तरह से हम स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका कंडीशन था 1.2 से वो था आपका, दूसरा था TF इक्वल टू, जो हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाला, पहला 1.2 से ज्यादा है यहाँ पर लिख दिया 1.2 से ज्यादा, दूसरा कंडीशन है 40 से कम तो यहाँ पे लिख दिया 40 mm से कम। अब कह रहा है कि इसके हिसाब से अब निष्कर्ष जो निकला है पेज नंबर 44 जो हमने आईएस कोड में देखा है, बकलिंग कर्व होगा जिसको हमें प्रयोग करना है जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और जो आपका कर्व होगा उसके लिए जेड एक्सिस के अलोंग स्मॉल ए होगा कर्व, ठीक है। अभी हम बताएंगे कर्व क्यों देख रहे हैं हम लोग। और जो दूसरा कंडीशन है 40 mm के लिए, वो उसके लिए बकलिंग होगी वाई एक्सिस पे और कर्व होगा बी के अलोंग, ठीक। अब हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले कंडीशन को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे जब, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है डिजाइन कंप्रेसिव लोड निकालना है, ठीक है। तो पहले कंडीशन में वाई एक्सिस आ रहा था और इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो वाई एक्सिस के अलोंग जो हम देखेंगे वो क्या होगा, फार्मूला होगा आपका स्लेंडरनेस रेशियो का लैम्डा इनटू वाई, सॉरी इनटू नहीं है, लैम्डा वाई। लैम्डा वाई का मतलब क्या, वाई एक्सिस के अलोंग हम पहला कंडीशन देख रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग एच बाई बी एफ जो आपका आया था उसके लिए वाई एक्सिस के अलोंग था, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग ये था आपका, इसके लिए कर्व बी देखेंगे, ठीक है। तो के इंटू एल है डिवाइडेड बाई आर इंटू वाई, ठीक है। तो के इंटू एल, के एल मैंने बताया था, के का मान 0.65 हमने निकाला था वहां से, और एल दिया हुआ है 3.5, ठीक है, 3.5 है। तो यहाँ पे एमएम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो एमएम में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखिए 10 - 3 है, ठीक है, मीटर में दिया है तो 1000 से गुणा करेंगे, यहाँ पे -3 गलत लिख दिया है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और डिवाइडेड बाई आर वाई, आर वाई हमने जो है स्टील टेबल से यहाँ पे देखिए नोट किया है 52.2, तो आर वाई जो है यहाँ पे रख दिया है 52.2 रख दिया है। सॉल्व करेंगे तो आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो इस कंडीशन के लिए आएगा कितना आएगा, 43.58। अब इस स्लेंडरनेस रेशियो के लिए जो है, जो कि 43.58 है, उसके लिए हम क्या करेंगे, और एफ वाई 250 दिया हुआ है, तो बकलिंग कर्व जो आपका स्टील टेबल में दिया था, मैंने बताया था स्टील कोड में, वो बी है। तो बकलिंग इस स्लेंडरनेस रेशियो के लिए जो कि एफ वाई 250 है, हम स्टील कोड में चलेंगे। स्टील कोड में जो आपका दिया गया है कहाँ पे जो है कर्व कौन सा है आपका, यहाँ पर बी है, कर्व बी हमने डिसाइड किया है, तो कर्व बी हम ढूंढेंगे कहाँ पे है, कर्व बी देखिए कहाँ पे है, ये सी हो गया, यहाँ पर कर्व आपका कौन सा है, बी है, क्लास बी, ठीक है, कॉलम बकलिंग क्लास बी, एफ सी डी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है के एल अपान आर जो कि हमने निकाला है, के एल अपान आर कितना था यहाँ पे 43.58, यानी कि 40 से 50 के बीच में आएगा, तो 40 से 50 के बीच हम चलेंगे इसमें, तो 40 ये रहा आपका और 50 ये रहा, ठीक है। और एफ पी 250 के लिए जो आपका 40-50 के रिस्पेक्ट में होगा 206 और 194 आ रहा है, इसको जो है हम क्या करेंगे 206 और 194 यहाँ पर जो आपका कोड है यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। अब हमने कल जो बताया था 206 194 के रिस्पेक्ट में जो हमने इंटरपोलेशन फार्मूला बताया था x1 y1 x2 y2 की तरह लिख के, ठीक है, वहां पर हम इंटरपोलेशन फार्मूला लगा के उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो एफ सी डी जो आपकी आएगी क्या आएगी 201.70, ठीक, 201.70 आएगा यहाँ पर। अब जब एफ सी डी आ जाएगा तो हमने बताया था कि कंप्रेसिव लोड का जो फार्मूला निकालने का है वो क्या है, PD = AE × FCD, FCD जो आपने निकाला है, AE आपने जो है स्टील टेबल से नोट किया है, तो 92121 × 201.70 N/mm², यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो वैल्यू आएगी आपकी 1859.9 kN वैल्यू आएगी आपकी जो PD की वैल्यू होगी, ठीक है।